स्वागत है आपका गीताज खाना में। आज हम कान्हा जी के लिए एक ड्रेस बना रहे हैं जिसका घेरा हम दो पार्ट से बनाएंगे। कॉटन की ड्रेस बना रहे हैं हम कान्हा जी के लिए। देखिए हमारे पास दो पट्टियां हैं, अलग अलग है हमारी पट्टी। पट्टी हमारी 10.5 इंच की है, यानी कि हमारी 42 इंच का घेरा हो गया, काफी है। ये हमारी 4 से 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। 5 इंच की हमने लंबाई रखी है और चौड़ाई हमारी 42 इंच है। देखिए हमारी पट्टियां अलग अलग है, अगर आप बनाएंगे तो पट्टियों को अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पार्ट्स में 3 तरफ हम फोल्ड कर ले। देखिए सबसे पहले घेरा तैयार करने के लिए हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे, दोबारा फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है घेरे की। एक केंद्र प्लेटें डाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे, घेरा बना लेंगे दूसरी पट्टी का भी। देखिए हमारी दूसरी पट्टी भी इसी तरह से तैयार हो गई है। मैं एक साथ ही डोरी बना रही हूँ, उसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी 10 इंच लंबी पट्टी ली है। पट्टी को सीधा रखेंगे, घेरे को भी सीधा रखेंगे, सेंटर में रख लेंगे। 2.25 इंची का हमारा घेरे की कमर है। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप पहले पट्टी लगा के उसके बाद अंदर से डोरी लगाएंगे। पट्टी को सीधा करेंगे, दूसरे घेरे में भी इसी तरह से लगाएंगे। पहले डोरी सिलेंगे, एक बार टर्न करेंगे तो एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी टर्न करेंगे इसको। दोनों को एक साथ टर्न कर देंगे, तरह से सिल देंगे। नीचे वाली हमारी सिलाई जो है वो नज़र ना आए पट्टी। देखिए दूसरी पट्टी भी इसी तरह से सिल देंगे, दोनों तरफ से टर्न करेंगे, फिर दोनों को टर्न करेंगे, सिल देंगे। देखिए कटिंग में से पट्टी निकाल लेंगे, स्क्वायर पट्टी होनी चाहिए। एक बार फोल्ड करेंगे, फोल्ड की अपनी पट्टी को रखेंगे बीच में। देखिए फोल्ड साइड हम नीचे आ रख रहे हैं और इसमें इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। ओपन साइड है उधर अपनी पट्टी रखेंगे, डोरी उधर रखेंगे और ऊपर खुली हुई साइड है हमारी, इसमें सिलाई लगा देते हैं। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको। दूसरी डोरी में भी लगा लेंगे। देखिए इसको सीधा कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं बुनने, ये आप बड़े छोटे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए देखिए इसी तरह से हमारे दोनों तरफ के घेरे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक हम चोली बना लेते हैं। देखिए चोली बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी पट्टी ले लेंगे। पट्टियों को अलग अलग कर लेते हैं। अपनी पट्टी को फोल्ड करेंगे, सीधी सिलाई लगा देंगे। इधर हमारी किनारी है तो धागे नहीं निकलेंगे और इधर से हम पहले ही फोल्ड कर देते हैं तो देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी हमारी पट्टी। दूसरी पट्टी भी इसी तरह से लेंगे, सीधी साइड अंदर रखेंगे। दोनों पट्टियों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारी दोनों पट्टियाँ सीधी हो गई हैं। इधर से सिलेंगे, दोनों तरफ से 1.5 इंच के करीब सिल देंगे। ये दूसरी साइड से भी इसी तरह सिलेंगे, 2.2 पर नीचे पट्टी रखेंगे और इसको 1 से 1.5 इंच के करीब सिलेंगे। देखिए हमारी चोली तैयार हो गई है। अपने एक घेरे की पट्टी पकड़ेंगे, एक चोली के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिल देंगे। देखिए इसे अगर आप ये फोल्ड ना भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धागे निकलेंगे, मैंने इसीलिए फोल्ड किया है कि। देखिए दूसरा घेरा लेंगे, ये बस सीधा रख लेंगे ऊपर। देखिए सिलाई आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर किनारे पर भी लगा सकते हैं और सिलाई के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए हमारी चोली फिट हो गई है ड्रेस के अंदर, घेरे के अंदर। देखिए हम एक पगड़ी बना लेते हैं। देखिए 2 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी पट्टी ले लेंगे। देखिए पट्टी को एक तरफ से मोड़ा हमने, दूसरी तरफ से मोड़ेंगे और इस पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए इसके दोनों साइड टर्न कर लेंगे, एक बार टर्न करेंगे, दोबारा टर्न करके इसको सिल देंगे। देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसकी पट्टी तरह से पकड़ा एक तरफ मोड़ देंगे, दूसरी तरफ मोड़ देंगे, आप इसे सिल सकते हैं। इसी तरह से हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए इसी तरह से हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और हमारी पगड़ी की पट्टी भी तैयार हो गई है। हम इसको इसी तरह से पहना देंगे कान्हा जी को, दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और इस तरह से अपनी पगड़ी पहना लेंगे कान्हा जी को। आइए मैं ड्रेस पहना के दिखा देती हूँ कान्हा जी को। देखिए हम इस तरह से कान्हा जी को पहनाएंगे और हमारा घेरा
बिल्कुल सही से फैल रहा है पूरा। देखिए देखिए, हमें घेरा इस तरह से भी रख सकते हैं, घेरा हम समेट के हाफ ऑफ करके इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए देखिए, बहुत ही सुंदर सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस लग रही है पहनाने के बाद में। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ड्रेस बन जाएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।